मीरा रोड के नागांव में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 56 वर्षीय प्रेमी ने अपने 36 वर्षीय प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद अपनी प्रेमिका के 100 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में उबाल दिया और कुत्तों को खिलाया। कुछ टुकड़ों को पास की नदियों में फेंक दिया, कुछ टुकड़े को बॉटल में भरकर फ्रीज कर दिया और कुछ टुकड़ों को मिक्सिंग में डालकर उसे जूस बना लिया और खुद पिया और कुत्ते को भी पिलाया। इस तरह की जानकारी मुंबई नायगांव की पुलिस ने दिया है। नायगांव पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में यह पता लगा कि आरोपी मनोज सैनी बतौर बोरीवली में एक व्यवसायी है और दूसरी पत्नी जो है उसकी हाउसवाइफ है, कुछ काम नहीं करती है। लेकिन पति को हमेशा उसकी प्रेमिका पर हमेशा शक था कि वह जब वह बाहर चला जाता है तो किसी और के साथ रंगलियां मनाती है, क्योंकि दोनों की उम्र का तकाजा था, क्योंकि प्रेमी की उम्र 56 साल और उसकी प्रेमिका की उम्र 36 साल थी। प्रेमिका का नाम सरस्वती वैद्य है, जो बतौर एक ब्राह्मण जात से आती है, और वहीं प्रेमी मनोज सैनी जो खुद ब्राह्मण है। अब इस तरह से चीज़ें सामने आई हैं। दरअसल नागांव पुलिस स्टेशन को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि जो है नायगांव के एक फ्लैट से 704 से बदबू आ रही है। बदबू की बात सुनने के बाद पुलिस को डाउट हुआ, क्योंकि अमूमन क्राइम की जब ऐसी सीने आती है तो पुलिस को पुरानी बातें याद आने लगती है। ठीक उसी तरह से पुलिस को शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस मौके पर पहुंची, आनन फानन में जब दरवाज़ा खोला तो पूरी सोसाइटी में मानो भूचाल सा आ गया, क्योंकि बदबू की जो ये पैमाना था वो काफ़ी बढ़ गया। लगातार पुलिस इस मामले की जांच शुरू की। जांच में देखा कि कमरे के अंदर महिला के बाल कटे हुए मिले, उसके बाद कई छोटे छोटे टुकड़े जो है मांस के बेडरूम में और अलग अलग जगहों पे दिखाई दिए। पुलिस का शक बढ़ता गया। पुलिस ने जैसे ही किचन का दरवाज़ा खोला, पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि किचन में कुछ बॉटल्स रखे थे जिसमें मृतक महिला के छोटे छोटे टुकड़े करके उस बॉटल में रखे गए थे। कुछ पीसेस जो है बॉटल के अलावा जो है कुकर में मिले, जो बॉयल किए हुए थे। कुछ टुकड़ों को प्लास्टिक में करके बाहर फेंका गया था, जैसा आरोपी ने पुलिस को बताया। तो इस तरह की चीज़ें करना जाहिर तौर पर एक निर्मम हत्या के साथ मनोविकृति सामने आती है कि इंसान कितना मानसिक तौर पर जो है बीमार था और इस तरह से अपनी प्रेमिका के साथ उसने किया। लेकिन इसका महज कारण बस एक ही है कि उसकी उम्र 56 साल और प्रेमिका की उम्र 32 साल 36 साल, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाहर जाने के बाद वो किसी के साथ रंगलियां मनाती हो। शायद इस शक के आधार पर उसने अपनी जो है प्रेमिका की हत्या की। इस पूरे मामले में अब जो है नायगांव पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार क्या इसके साथ कोई और लोग हैं। इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो आरोपी मनोज सैनी है वो बोरीवली के एक शॉप में काम करता है और उसकी प्रेमिका घर में ही रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। लेकिन
जिस तरह से उसने हत्या की है उसमें यह भी जानकारी सामने आई कि कुछ दिन पहले वह मार्केट से एक पेड़ काटने वाली जो आरी होती है जिसे हम कटारी भी कहते हैं वो खरीद के लाया था और उसी से उसकी हत्या की है। और यह हत्या 3 से 4 दिन पहले हुई है, यानी कि 3 से 4 दिन से लगातार यह शख्स अपनी प्रेमिका को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था, लेकिन जब बदबू आने लगी तो इस तरह के जो है चीज़ें सामने आई और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद यह देखा जा रहा है कि जो है लगातार महिला आयोग के तमाम जो अधिकारी वह भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ मामला है और यह प्रेम प्रसंग में शक होने के आधार पर इसने हत्या की है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की निर्मम हत्या होना एक मनोविकृति बताता है कि इंसान की मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ी हुई होगी कि किसी की हत्या करने के बाद उसे जो है इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट कर फेंक दिया जाता है और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। इसी लिहाज से मुंबई की जो है नायगांव पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के मामले के तहत उसकी गिरफ्तारी की है। अब गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पुलिस आरोपी की जो है मनोविकृति की जांच करवाएगी कि क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ महिला की जिस तरह से हत्या हुई है उसमें और क्या क्या कारण सामने आ रहे हैं इस पर मुंबई की नायगांव पुलिस जांच कर रही है। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता खाजीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वीं मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री वनपुटी कर रहे हैं। थैंक यू सर।